सरकार के काम के कार्य के लिए घर के बाहर नहीं निकले, ज्यादातर अपने घरों में रहे, बच्चे बुजुर्ग को कभी घर के बाहर नहीं आने दे। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। देखिए, जो अभी रिसेंटली पॉजिटिव आए हैं उनको देखते हुए जो कर्फ्यू एरिया है उसमें जो भी पहले कोई भी लॉकडाउन के पासेस लोगों के पास में है उन सभी को वहाँ के लिए रद्द घोषित कर दिया गया है। हम अब उन क्षेत्रों के लिए अलग से कर्फ्यू पास केवल उन सेवाओं के लिए जारी कर रहे हैं जिनका कि वहाँ जाना जरूरी है, जैसे कि जो गवर्नमेंट की सप्लाई है वहाँ भेजी जाएगी और कुछ आवश्यक सेवा के लोग जो है वहाँ जा सकेंगे, बाकी सभी का आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा। उस पूरे क्षेत्र में जो कि लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख की पॉपुलेशन का एरिया है, उस पूरे एरिया में हर तरह का मूवमेंट लोगों का रिस्ट्रिक्ट रखा जाएगा। लोगों को अपने घर में रहना होगा और जो भी सप्लाई है वो गवर्नमेंट की पहुँचेगी, अन्य कोई भी वितरण प्रणाली वहाँ नहीं चलेगी, कोई भामाशाह नहीं मूव करेंगे, केवल जो हमारी अपना सिस्टम है उससे ही सामान का वितरण होगा। सर, चार जो खानाबदोश है वो कल जो है वहाँ से निकले थे अपने शेल्टर होम से, जी, तो उनको लेकर अभी तक कोई अपडेट कोई मिले हैं? देखिए, ये एक समस्या है जिसमें कि कई जगहों पर जो शेल्टर होम्स में रखे गए हैं लोग, वो मौका निकाल करके चुपके से रात में वहाँ से फरार होने की कोशिश करते हैं। उसी क्रम में वो चार लोग जो आप बता रहे हैं वो वहाँ से फरार हो गए थे। हमने सभी को मैसेज कराया हुआ है, उनके फ़ोटो सर्कुलेट किए हुए हैं, यदि वो कहीं पर भी सिटी में है तो निश्चित रूप से हमारे पकड़ में आएंगे। वो कोरोना के कोई पेशेंट नहीं है और उनका टेस्ट भी हो रखा है बकायदा, वो नेगेटिव पाए गए थे, फिर भी हमारे पास में उसका पूरा रिकॉर्ड है, हम उसको चेक करने के मोड में हैं। अगर कहीं पर भी पॉसिबिलिटी होगी, और जनता भी जानती है, हमारे पास हर रोज़ फ़ोन आते हैं, यदि कहीं पर भी किसी के आसपास कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसे उन्होंने पहले नहीं देखा है तो लोग फ़ोन कर रहे हैं हमारे पास हर रोज़, और ऐसे लोगों को हम वहाँ से हटा रहे हैं। तो हमारी जांच लगातार चल रही है, अगर वो मिलेंगे तो उनको वापस लाया था। कोरोना केसेस बढ़ने की वजह से गंज थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया है, संपूर्ण क्षेत्र में कर्फ्यू है, सब जगह बैरिकेडिंग कराई जा रही है तथा लोगों को समझाइश की जा रही है कि घरों से बाहर नहीं निकले। वो परचूनी की दुकान, मेडिकल सब बंद है, कोई भी घर के बाहर नहीं निकलेगा, ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में रहे। रोड पे आने की कोशिश ना करें, ज्यादा से ज्यादा